जहाँ ना मोदी का है ना संगत का है, तो सभी का लाल किला है, सबका लाल किला। तो मोदी चढ़ा सकता है तो संगत क्यों नहीं चढ़ा। उन्होंने किसान मजबूर बना दिता जी, ता करके आप आए मतलब धरने से आए हैं, अंदोलन करना है जी। अपना लाल का हक है, हक है आपका। हाँ सर, सबका हक है। हाँ सबका है। सन 47 तो बाद पहली बार हुआ है, सन 47 के बाद पहली बार हुआ। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज, मैं हूँ आपके साथ सौरभ राज। करीब 2 महीने से जो कृषि कानून को लेकर के किसान सड़क पे उतरे हुए थे, दिल्ली के तमाम बोर्डों पे किसान आंदोलन कर रहे थे, अब जाकर के आखिर में गणतंत्र दिवस के मौके पे किसान दिल्ली के लाल किले पे देख सकते हैं, किसान अपने झंडे को फहरा चुके हैं। देखिए कि यहाँ पे जो दृश्य आप देख रहे हैं दिल्ली के लाल किला का है, जहाँ पे किसान दिल्ली के जो बॉर्डर पे बैठे हुए थे वहाँ से निकलते हैं मार्च करने के लिए, और धीरे धीरे काफिला हुजूम के साथ किसान अपने ट्रैक्टर रैली के माध्यम से दिल्ली के तमाम बॉर्डरों पे जो बैरिकेडिंग लगा हुआ था उसको तोड़ करके किसान अपने जो मांगे हैं उस मांग को लेकर के लाल किले पे आ गए हैं। और अब सरकार के ऊपर सवाल है कि क्या सरकार कैसे अब किसानों को मनाएगी, कैसे लाल किला को खाली कराया जाएगा, क्योंकि किसान भी एक तरफ से अड़ गए हैं कि अब दिल्ली में ही उनकी डेरा जमी रहेगी जब तक कृषि कानून रद्द नहीं होते। देखिए हमारे साथ सरदार जी हैं, आप दिल्ली में आ गए हैं, लाल किला पे झंडा फहरा दिए, चढ़ गए, अब क्या उपाय है? अरे तो लाल किले तो जैसा मोदी का हक होता है, सब संगत का भी हक है, सबका हक है, सभी का हक है। जहाँ ना मोदी का है ना संगत का है, तो सभी का लाल किला है, सबका लाल किला। तो मोदी चढ़ा सकता है तो संगत क्यों नहीं चढ़ा सकती? इसी कारण आप लोग इसी कारण मोदी से नाराज हो गए। आज सारी संगत ने लाल किले में अपना झंडा, किसानों का झंडा और खालिस्तान का झंडा चढ़ा दिया, झंडा गाड़ दिया। भाई साहब आप भी आ गए आंदोलन में? जी साहब, ट्रैक्टर लेकर के। जी साहब, अब लाल किला के बाद अब अगला पड़ाव कहाँ रहेगा आप लोग का? ये मोदी के लेन देन के हाथ में है कि मोदी समझ जाता है, समझदारी ना काम कर देता तो चंगे रहना ही। उन्होंने किसान मजबूर बना दिता जी, ता करके आप आए मतलब धरने से आए हैं, अंदोलन करना है जी। अपना अंदोलन करने आए हैं जी साहब। चलिए सरदार जी, बताइए बताइए बताइए, लाल किला हक है, हक है आपका। हाँ सरदार, सबका हक है। हाँ, सबका। पहली बार ऐसा हो रहा है कि लाल किला पे किसान चढ़ा हुआ विरोध में, सरकार के विरोध में, पहली बार इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है। सन 47 तो बाद पहली बार हुआ है, सन 47 के बाद पहली बार हुआ। देखिए कि ये सरकार के ऊपर अब पूरी तरह से निर्भर करता है कि अब अगला पड़ाव इन लोगों का क्या होगा, क्या यहाँ से घर वापसी होगी या फिर यहीं पे उन लोगों का डेरा जमा रहेगा, क्योंकि पूरी दिल्ली में एक तरह से किसान घुस चुके हैं और अपने काफिले के साथ घुसे हैं, ट्रैक्टर को लेकर के घुसे हैं। और ये भीड़ और कह सकते हैं किसानों का आंदोलन बिना किसी नेता का है, क्योंकि किसानों को जो नेता है वो तमाम रूप से और पूरी तरह से किसानों को रोकने की कोशिश कर रहे थे कि जो उनको रूट दिया गया था, जो रास्ते दिए गए थे ट्रैक्टर रैली के लिए, उसी पे चला जाए। लेकिन ऐसी भड़की भीड़ कि पूरी तरह से दिल्ली के तमाम रूट को बदलते हुए दिल्ली के वीआईपी कह सकते हैं जो सेंट्रल दिल्ली है वहाँ घुस चुकी है। आप दृश्य में देखिए कि कैसे जगह जगह हिंसक झड़प हुई, पुलिस और किसानों के बीच में उपद्रव भी हुए और लाठीचार्ज भी, आंसू गैस छोड़े गए। और अंत में ये दृश्य देख सकते हैं पूरे हिंदुस्तान के लिए एक ऐतिहासिक दृश्य है, सन 47 के बाद पहली बार ऐसा हुआ है। दिल्ली से सौरभ राज, लाइव सिटीज़।